आईपीएल 2021 का 25वां मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिए। कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों की शुरुआत अच्छी रही। नीतीश राणा अच्छी बल्लेबाजी करके 12 गेंदों में 125 स्ट्राइक रेट के साथ एक चौका और एक छक्के की मदद से 15 रन बनाकर अक्षर पटेल की गेंदबाजी में ऋषभ पंत द्वारा स्टंप आउट हुए। तीसरे स्थान पर उतरे राहुल त्रिपाठी अच्छी बल्लेबाजी करके शुभमन गिल के साथ अच्छी साझेदारी निभाए। वे अपने इनिंग्स में 17 गेंदों में 111.76 स्ट्राइक रेट के साथ दो चौके की मदद से 19 रन बनाकर स्टॉइनिस की गेंदबाजी में ललित यादव को कैच देकर आउट हुए। चौथे स्थान पर उतरे कप्तान यॉन मॉर्गन बिना कोई रन बनाए ललित यादव की गेंदबाजी में स्टीव स्मिथ को कैच देकर आउट हुए। पांचवें स्थान पर उतरे सुनील नरेन भी बिना कोई रन बनाए ललित यादव की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। छठे स्थान पर उतरे एंड्रू रसल शानदार बल्लेबाजी करके 27 गेंदों में 45 रन बनाकर नाबाद रहे। शुभमन गिल का विकेट गिरने के बाद उतरे दिनेश कार्तिक कुछ खास प्रभाव नहीं दिखा पाए। वे केवल 14 रन बनाकर अक्षर पटेल की गेंदबाजी में LBW के रूप में आउट हुए। आठवें स्थान पर उतरे पैट कमिंस एंड्रू रसल के साथ अच्छी साझेदारी निभाकर अपने इनिंग्स में 13 गेंदों में 84.67 स्ट्राइक रेट के साथ एक चौके की मदद से 11 रन बनाकर अजय रहे। इसी के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी ईशांत शर्मा द्वारा शुरू किया गया। ईशांत शर्मा अपने 4 ओवर में 8.50 इकोनॉमी रेट के साथ 34 रन दिए। वहीं कगिसो रबाडा अपने 4 ओवर में 7.75 इकोनॉमी रेट के साथ 31 रन दिए। अक्षर पटेल शानदार गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 8 इकोनॉमी रेट के साथ 32 रन देकर 2 विकेट चटकाए। आवेश खान अच्छी गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 7.75 इकोनॉमी रेट के साथ 31 रन देकर 1 विकेट लिए और उन्होंने शुभमन गिल का विकेट लिया। ललित यादव शानदार गेंदबाजी करके अपने 3 ओवर में 4.33 इकोनॉमी रेट के साथ सिर्फ 13 रन देकर 2 विकेट चटकाए। एंड्रू रसल जब क्रीज पर उतरे थे तब कोलकाता नाइट राइडर्स खराब स्थिति पर थी। इसी कारण से वे शुरुआत से धीमी गति से खेल रहे थे और वे अंत में बाउंड्रीज लगा के टीम स्कोर को आगे बढ़ाए और वे आखिरी गेंद पर छक्का लगा के इनिंग्स को समाप्त करके अजय रह के 27 गेंदों में 166.67 स्ट्राइक रेट के साथ 2 चौके और 4 छक्के की मदद से 45 रन बनाए। शुभमन गिल शुरुआत से ही शानदार बल्लेबाजी करके नीतीश राणा और राहुल त्रिपाठी के साथ अच्छी साझेदारी निभाए। वे शुरुआत से ही स्ट्राइक रोटेट करते हुए जब मौका मिला तब बाउंड्रीज लगा के अपना स्कोर के साथ टीम स्कोर को भी आगे बढ़ाए और वे अपने इनिंग्स में 38 गेंदों में 113.16 स्ट्राइक रेट के साथ 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 43 रन बनाकर 13वां ओवर की आखिरी गेंद पर आवेश खान की गेंदबाजी में स्टीव स्मिथ को कैच देकर आउट हुए। ललित यादव शानदार गेंदबाजी करके दिल्ली कैपिटल्स को वापसी कराने में मुख्य भूमिका निभाए। वे इनिंग्स के 11वां ओवर में यॉन मॉर्गन को कैच आउट और सुनील नरेन को क्लीन बोल्ड करके एक ही ओवर में मुख्य 2 विकेट लेकर KKR को पीछे रखे और वे अंत तक 3 ओवर में 4.33 इकोनॉमी रेट के साथ सिर्फ 13 रन दिए। अक्षर पटेल शानदार गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 8 इकोनॉमी रेट के साथ 32 रन देकर 2 विकेट चटकाए। उन्होंने नीतीश राणा को स्टंप आउट किया और दिनेश कार्तिक को LBW के रूप में आउट किया। वे नीतीश राणा का विकेट लेकर राणा और गिल की जोड़ी को तोड़कर KKR को पहला झटका दिया। 155 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरे दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों का ओपनर द्वारा जबरदस्त शुरुआत रहा। पृथ्वी शाह शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी करके अपने बल्ले का जादू दिखाए।
वे अपने करारे शॉट से केकेआर के नाक में दम कर दिए। वे 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करके 41 गेंदों में 82 रन बनाकर पैट कमिंस की गेंदबाजी में नीतीश राणा को कैच देकर आउट हुए और शिखर धवन इस मैच में धीमी गति से खेलकर 47 गेंदों में 46 रन बनाकर पैट कमिंस की गेंदबाजी में LBW के रूप में आउट हुए। तीसरे स्थान पर उतरे ऋषभ पंत पृथ्वी शाह के साथ मिलकर अच्छी साझेदारी निभाए। वे अपने पारी में 8 गेंदों में 200 स्ट्राइक रेट के साथ 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 16 रन बनाकर पैट कमिंस की गेंदबाजी में शिवम मावी को कैच देकर आउट हुए। पृथ्वी शाह के बाद उतरे स्टॉइनिस 3 गेंदों में 200 स्ट्राइक रेट के साथ 6 रन बनाकर नाबाद रहे। इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स 7 विकेट से जीत हासिल किए। कोलकाता नाइट राइडर्स की गेंदबाजी शिवम मावी द्वारा शुरुआत किया गया। इस मैच में पैट कमिंस के अलावा किसी गेंदबाजी ने भी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए। शिवम मावी एक ओवर डाल के 25 इकोनॉमी रेट के साथ 25 रन दिए। वरुण चक्रवर्ती भी अपना प्रभाव दिखाने में असफल रहे। वे अपने 4 ओवर में 8.50 इकोनॉमी रेट के साथ 34 रन दिए। प्रसिद्ध कृष्णा 3.3 ओवर में 10.29 इकोनॉमी रेट के साथ 36 रन दिए। वही सुनील नरेन भी अपने 4 ओवर में 9 इकोनॉमी रेट के साथ 36 रन दिए और पैट कमिंस शानदार गेंदबाजी करके 6 इकोनॉमी रेट के साथ 4 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट लिए। पृथ्वी शाह शुरुआत से ही आक्रामक खेल खेलकर जबरदस्त बल्लेबाजी किए। वे हमेशा की तरह पूरी जोश के साथ अपने बल्ले का जादू दिखाए। इनके शॉट से आग बरस रही थी। वे चौके छक्कों की बौछार किए। वे शिखर धवन के साथ मिलकर 11वां ओवर की दूसरी गेंद तक 100 रनों की साझेदारी बना दिए थे। वे केवल 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किए और यह उनके लिए नवा IPL अर्धशतक है। IPL 2021 में अब तक यह सबसे तेज अर्धशतक है। वे अपने पारी में केवल 41 गेंदों में 200 स्ट्राइक रेट के साथ 11 चौके और 3 छक्के की मदद से 82 रन बनाकर पैट कमिंस की गेंदबाजी में नीतीश राणा को कैच देकर आउट हुए। शिखर धवन इस मैच में धीमी गति से खेले। वे स्ट्राइक रोटेट करते हुए जब मौका मिला तब बाउंड्रीज लगा के अपने स्कोर को आगे बढ़ाए। साथ ही पृथ्वी शाह के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 132 रनों की साझेदारी बनाए और वे इनिंग्स के 14 ओवर की 5वीं गेंद पर पैट कमिंस की गेंदबाजी में LBW के रूप में आउट हुए और वे अपने पारी में 47 गेंदों में 97.87 स्ट्राइक रेट के साथ 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 46 रन बनाए। वे केवल 4 रन के लिए अपना अर्धशतक बनाने से चूक गए। पैट कमिंस शानदार गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 6 इकोनॉमी रेट के साथ 24 रन देकर 3 विकेट चटकाए। वे पृथ्वी शाह को कैच आउट किए, शिखर धवन को LBW के रूप में आउट किए और ऋषभ पंत को भी कैच आउट किए। वे अपनी टीम के लिए इस मैच में सबसे सफल गेंदबाज रहे।